सुसाधल्य आहे तुम्ही आता आगे गेले हा ना मग ले हा सुसाधल्य आहे चालले म्हणजे 20 का 5 ना 20 का 5 ले आहे यहाँ दिख रही तो फ्रेंड्स आपको दिखाया कि पूजा जी ने मेथी का भाजी लिया है, उसका भाजी बनाए के देख सकते हो। ये भाजी पड़ी है और पूजा जी रोटी बना रही है, बाजरे की रोटी। तो अभी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जो बाकी थोड़ा हरी मिर्च वगैरह लाना है वो लाऊंगा और तारिनी को भी कुछ लेकर दूंगा और उधर से आने के बाद जो कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हरी मिर्च लहसुन वगैरह लाए हैं और पूजा जी की रोटी हो गई है और वो अभी मेथी की भाजी तोड़ रहे हैं। तो चलो हम भाजी तोड़ लेते हैं और इनका भाजी का खाना बनाते हैं। भाजी तोड़ लिया है, अभी आगे की तैयारी करते हैं। तवे में ही भाजी बनाएंगे। कढ़ाई का कुछ काम नहीं है, तवे में ही बराबर बन जाते हैं और हमारे पास तसली भी है और तवे भी ही ठीक रहती है भाजी बनाना अच्छा होता है, क्योंकि वो भाजी इतनी इतनी हो जाती है। अभी लहसुन हो गया है और अभी बफाने के लिए वो मैंने हरी मिर्च और टमाटर ऐसे रख दी थी, हो जाएगा बराबर। शुक्र अब लग करो बहुत अच्छा लगता है ये भाजी खाने में, मेथी का भाजी। ये देखिए स्कूल से आया है, हमने आपको बहुत दफा बताया है
जो बड़ा भाई कोरोना में नहीं रहा उसका लड़का है, सागर नाम है। अभी स्कूल में सीख रहे हैं वो दोनों भाई, तो उनका ये होली का छुट्टी हुआ है ना, इसके लिए अभी वो आए हैं। उसकी मम्मी है ना, वो गन्ने काटने के लिए गई है। पूजा जी की बड़ी बहन है उसकी मम्मी, मतलब पूजा जी और इनकी मम्मी जो है वो दोनों सगी बहन है। वो अभी बच्चों को मिलने के लिए आ रही है। बहुत दूर है गन्ने काटने के लिए गए हुए वो लोग। और घर में वातावरण कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हम बता नहीं सके क्या हुआ था कि तारिणी सतरानी उनकी डिलीवरी हुई थी, तो नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ उनका। पर जो नीलकंठ के डिलीवरी के समय है ना, लखानी को सीजर करना पड़ा था, तो वो अभी ऑपरेशन करने वाली है बोले। तो यहाँ से कागज मांगा, वो जो सीजर किया हुआ था, तो पूजा जी ने वो कागज निकाल कर दे दिया। और कल से वो दवाखाने में गई हुई है, नंदुरबार में गई हुई है शिविर में। और कल शाम है ना, क्या हुआ, मेरे को बुलाया मेरा भांजा कृष्णा है, सगा भांजा, बड़ी बहन का लड़का। तो मैं यहाँ से वहाँ गया, तो वहाँ पर लखानी का बड़ा भाई था, तो कृष्णा मेरा भांजा ने बोला कि यह आपसे पैसे मांग रहे हैं बोले। तो जो लखानी का भाई था उन्होंने बोला कि आप लोग इकट्ठा ही थे बोले, उस समय 10,000 लिए थे, तो उनमें से मेरे को 2-3 हज़ार रुपये चाहिए बोले। तो मैंने बोला ठीक है, अभी पैसे नहीं है, जो पैसे थे मैंने उधार दे दिए हैं दूसरों को, जब पैसे आएंगे तो मैं दूंगा, ये बोलकर मैं आ गया यहाँ से, वहाँ से यहाँ आ गया और पूजा जी को बोला। तो पूजा जी को बहुत गुस्सा आया इस बात से कि किस बात के पैसे। वो मेरे को बोलने लगी कि जिस समय उन्होंने पैसे लिए ना, हमको पूछा उन्होंने कि हम पैसे ले रहे हैं, और उस समय हम गन्ने काटने के लिए बारडोली गए थे, तो लखानी जी ने बिना हमारी इजाज़त पैसे लिए थे, और उस समय पर भी यही मैटर था। यहाँ से वहाँ चली गई थी वो, और हमारी मानसिक स्थिति खराब हुई थी, तो हम दवा खाने से बाहर आए, और उसके बाद में पैसे वैसे कुछ भी नहीं था घर में। तो वो है ना, ऐसे ही यहाँ घर छोड़कर वहाँ गई थी, और मैं जब रिटर्न आया तो जैसे मनाया हमने उसे, तो और ज़्यादा मतलब जैसे पहले एक साथ में रहते थे वैसे नहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं गन्ना काटने के लिए नहीं आऊँगी, मैं मेरी मम्मी के साथ में द्वारका कटलेरी जो माल होता है, माला वगैरह कुछ, वो बेचने जाऊंगी बोले। तो हमने उसे यहीं छोड़ दिया था और हम गन्ने काटने के लिए निकल गए थे। तो वो कटलेरी मार लेकर वो जाने वाली थी, तो वो उधर नहीं गई, और उन्होंने और कुछ पैसे लिए, मतलब 10,000 माल लेने के लिए लिए, और 10,000 लिए उन्होंने, जो वो 10,000 लेकर हमारे पास में आई थी वहाँ गन्ने काटने के लिए। और
इकट्ठा नहीं रहती थी, साइड पर रहती थी। और पूजा जी को इस बात का ही गुस्सा आया कि हमसे बिना इजाज़त पैसे लिए और ना तो हमको पूछा ना हमारे में रही, हमारे से अलग खाना बनाकर खाती थी, तो वह पैसे मैं क्यों दूँ, यह पूजा जी बोल रही है। मैंने उसे समझाया कि वो आई तो अपने पास में ही आई, भले वो अलग रही, पर यह बात पूजा जी को नहीं पसंद आई। गांव की महिलाओं को, दो चार महिला थी, उसको उसके पास में पूजा जी गई और पूजा जी ने बोला कि वैसे ही मतलब दो बीवी थी, मतलब एक पति की दो औरत, वैसे ही एक औरत को बोला कि आपके सौतन पैसे लेगी, मौज मस्ती करेगी, वो पैसे आप देगी क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, पर आप लोग बोले अच्छे रहते हो, एक साथ खाना खाते हो, एक साथ डांस करते हो, एक साथ रहते हो, हम ऐसा नहीं रहते हैं बोले, पर आपका ख़राब ना हो इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। पर उन लोगों का गलत है कि पैसे वो लोग खाए, मौज मस्ती करे और आपसे पैसे मंगाए बोले, ऐसा ये नहीं हो सकता बोले। तो यही झगड़ा चला थोड़ा, मतलब यही बात किया पूजा जी ने और रिटर्न आ गई हमारे पास में। फिर मैं भी शांत हो गया, चलो ठीक है, पैसे आएंगे तो दे दिएगे कहीं से, पर अभी तो पैसे नहीं है, तो पूजा जी को तब तक के लिए मनाऊंगा ऐसा मैंने सोचा। फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, पर अभी तो खाना बन गया है, पूजा जी बैठी है, बाजी बन गई है, इतना पानी भी नहीं छोड़ा है। और वैसे करती पहले हरी मिर्च लहसुन वो तेल वगैरह ऐसे छोड़ देती, फिर भाजी छोड़ती तो बहुत पानी वो भाजी छोड़ देती, इसलिए ऐसा नहीं किया है, अभी इतना ही पानी छोड़ा है, अभी हो गई है भाजी। हो गया है भाजी मेथी का, बहुत अच्छा दिख रहा है। किसी ने बताया था यह भाजी बनाते समय झाकने का नहीं, कड़वापन ज्यादा नहीं होता है, इससे झाक देते हैं तो ज्यादा कड़वापन लगता है भाजी का स्वाद, इसलिए इसे झाके नहीं, बस ऐसे ही बनाए हैं। तो चलो थोड़ा देर में आराम करने के बाद में, मतलब सब साफ सफाई करने के बाद में खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो भी बताया आपको क्या लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सागर है बड़े भाई का लड़का, हमने तो आपको बताया ही है, इसके पिताजी नहीं रहे हैं कोरोना में। ये अकेला है और उस इनकी दो बहन है, गुंजन अनाजुसु मोहिनी। मोहिनी बड़ी लड़की है और गुंजन उससे छोटी है, और गुंजन से बड़ा यह है। तो चलो आओ खाते हैं बाजी मेथी का। तो फ्रेंड्स अभी खाते हैं खाना, आओ आप भी खाओ मेथी का भाजी। ज्यादा कड़वा लग रहा है। किसी ने कहा कि भाजी बनाते समय है ना झाकने का नहीं बोले, झाकते हैं तो ज्यादा कड़वा लगता है, पर यह बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है। थोड़ा
ओह फ्रेंड्स, खाना हो गया है हमारा। और देखिए यह आप देख सकते हो, हमने आपको बताया मोहिनी, गुंजन, सागर, ये तीनों भाई भाई हैं और ये दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी छुट्टी से आए हैं, तो उसकी मम्मी पूना साइड से घर पर आ रही है इनको मिलने के लिए। और यह उन साइड में रहते हैं जो राजेश भाई का घर है, उनके साइड में उस ओर घर है, और इन्होंने यहाँ पर भी मिट्टी डाल कर रखा है, हमारा ही जमीन है, तो मतलब ये उधर रहते हैं, पर अभी फिलहाल दादा दादी के वहाँ रहते हैं, छुट्टी से होकर आए हैं, तो यहाँ पर भी आते जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे भी लड़के हैं, शिवम रश्मि, हमारे भी लड़के जो है वो भी छुट्टी पर आने वाले हैं, पर अभी वो करीब 7-8 दिन के बाद में आएंगे, हमने कल कॉल किया था वहाँ पर, तो 7-8 दिन के बाद में छुट्टी बोल रहे हैं होली का, तो हमारे भी लड़के बच्चे आएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पर रखते हैं और हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश, नमस्कार।